ग्रामर क्लासेस, मैं हूँ तबिता। और गाइज, आप लोगों से आज काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, यानी कि सबसे चैनल पर तो होती है गाइज, लेकिन 11th की वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात से गुस्सा भी हो जाते हैं कि 12th की वीडियोस डालते हो मैम, आप 11th की नहीं डालते। ऐसा नहीं है गाइज, 11th का भी टारगेट बना हुआ है और 12th का भी, दोनों को कम्प्लीट करना मेरी जिम्मेदारी है और आपका काम है पढ़ना। आप अपनी क्वेरीज मेरे साथ लगातार शेयर करते रहिए जिस तरीके से करते हैं, और उसी तरीके से मैं आंसर करूंगी। और आपकी जो क्वेरीज पर लगेगा वीडियो बनानी है तो उस पर वीडियो भी बनेगी। अब गाइस, आज का जो टॉपिक है ना वो है स्टैटिस्टिक्स का, क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स है ना। एक बुक आपकी स्टैटिस्टिक्स पर है, एक आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पर है। सो स्टैटिस्टिक्स क्या इस होता क्या है, काफ़ी सारे ना MCQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क में क्वेश्चन जो आते हैं स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी से रिलेटेड, और थ्योरी लगती है हमें बोरिंग। तो आज हम उसी को इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे क्या होती है स्टैटिस्टिक्स। गाइज, स्टैटिस्टिक्स कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन जिसे आप क्वांटिटेटिव टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, विच कैन बी एक्सप्रेस इन टू क्वांटिटेटिव टर्म, इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। आपके स्कूल में स्टूडेंट्स के मार्क्स एक स्टैटिस्टिक्स है, कोई भी डेटा है जिसे आपने क्वांटिटेटिव टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब कोई बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है ये किससे रिप्रेजेंट होता है, उसके मार्क्स से। हालांकि गाइस, जो भी आप क्वांटिटेटिव टर्म में पढ़ते हो है ना, उसी को हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं, यानी कि क्वालिटी वाइज चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं देखते। किसकी आंखें कितनी सुंदर है, बाल कितने अच्छे हैं, वो सब स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्वांटिटेटिव चीज़ें ही स्टैटिस्टिक्स में आती हैं, पहली चीज़। सो एनी डेटा और इन्फॉर्मेशन विच कैन बी कन्वर्टेड और एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो आसान है ना। तो अब यानी कि क्रिकेट मैच का स्कोर एक स्टैटिस्टिक्स हुआ या नहीं हुआ, होगा। इसी तरीके से गाइज, जैसे हमारे मौसम विभाग अपना डेटा एक्सप्रेस करता है इन क्वांटिटेटिव टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो कोई भी चीज़ जो क्वांटिटेटिव में है, राइट। अब स्टैटिस्टिक्स को गाइज दो सेंस में पढ़ा जाता है, फर्स्ट इज द प्लूरल सेंस एंड द सेकेंड इज सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस क्या होती है गाइस, कि जो भी हम स्टैटिस्टिक्स होती है हम लोगों की, मतलब प्लूरल मतलब आपको पता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें आती है उसको प्लूरल कहते हैं, राइट। तो जो भी हमारा डेटा होता है वो एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट होता है, यानी कि किसी एक चीज़ को डेटा नहीं कहते हैं। अगर किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स भाई 90 आ रखे हैं 100 में से, दैट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स तब होगा जब इसमें क्वांटिटी होगी, सो एग्रीगेशन होगा, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट होता है, ठीक है। किसी एक चीज़ की, किसी एक पर्सन मिस्टर राम की इनकम इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, लेकिन 10 परिवारों की इनकम जब कंपेयर करेंगे तो वो स्टैटिस्टिक्स होगा। सो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट होता है। जो भी फैक्ट है, इनकम हो सकता है, सैलरी मतलब इनकम एंड सैलरी सेम हो गया, हाइट हो सकता है, कुछ भी, लेकिन वो एग्रीगेशन होना चाहिए। सेकेंड स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। कोई भी डाटा जो होता है ना, कहीं का भी, बहुत सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रखा होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अपने देश में अनएम्प्लॉयड लोगों का डाटा निकालते हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्टेड होगा, कि कोविड के भी वजह से लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए, एजुकेशन सेक्टर की वजह से भी, कि भाई बच्चे इतने पढ़ ही नहीं पाए लास्ट ईयर। देर आर मैनी रीज़न, मतलब कोई एक रीज़न नहीं होता, किसी भी चीज़ को इफेक्ट बहुत सारी चीज़ें करती है। इसी तरीके से जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं गाइस, चाहे वो पॉवर्टी के ऊपर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। थर्ड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, तो वो तो हमने देख ही लिया, क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकली हमें अपना डाटा एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। कलेक्टेड विथ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जो भी आप डाटा कलेक्ट करते हो ना भाई, वो रीजनेबल स्टैंडर्ड के साथ होना चाहिए, सही एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी मतलब सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो सही होना चाहिए। फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, ऑफकोर्स अगर हम मार्केट में निकल जाए पता नहीं है क्या लेना, तो कुछ नहीं लेके आएंगे, या फिर बहुत कुछ ले आएंगे जो चाहिए नहीं होगा, यही होगा ना। तो गाइस, जब भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, अगर आप किसी स्कूल में इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो, तो आपको पता तो होगा ना किस बारे में आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है। तो हमेशा जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, यानी कि पहले से हमें पता होता है कि हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है गाइस, कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, यानी कि हमारे जो भी हम स्टैटिस्टिक्स यानी कि डेटा कलेक्ट करते हैं उसके एक कलेक्ट करने का गाइस मैनर होता है, जो अभी आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे कि कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू आप स्टैटिस्टिक्स का डेटा कलेक्ट करते हो। तो एक सिस्टमैटिक मैनर होता है जिसे हमें 1 by 1 स्टेप्स से कवर करना होता है। उसके बाद होते हैं प्लेस्ड इन वन अनदर, यानी कि जो भी आप डेटा
लेके आती हूँ गाइज, वो ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसे एक साल का डेटा दूसरे के साल के साथ कंपेयर कर सको। अगर 2017 का डेटा है तो 2018 उसे रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज वो सेम मैनर में कलेक्ट होना चाहिए। तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो कंपेरेबिलिटी के फीचर वाला हो, उसे कंपेयर कर सके। अगर आप कोई ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हो जो कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ आपके उसी पर्पज़ के लिए काम आएगा और कहीं पर भी एक की जगह दूसरा डेटा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेट सपोज़ मुझे 2010 के डेटा को 2019 के डेटा से कंपेयर करना है, बट 19 का मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा थे, नहीं थे उस समय पर, हमें 2020 से कंपेयर करना है। ठीक है, 2020 से नहीं, हमें 21 से करना है, तो हम अपने डेटा को प्लेस कर सके, एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा कर सके, हमारा डेटा ऐसा होना चाहिए, यानी कि कंपेरेबिलिटी का फीचर होना चाहिए। तो ये होता है गाइस, जब हम अपने डेटा को एक एग्रीगेशन के रूप में, किस एक बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके चलते, तो हमारा डेटा क्या होता है, एग्रीगेशन इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होता है, वो डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट करते हैं, प्री डिटरमाइंड पर्पज होता है उसको कलेक्ट करने का, सिस्टमेटिक मैनर में हम क्रिएट उसे कलेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ कंपैरिजन वाला फीचर भी उसमें होता है। अब गाइस, ये तो था प्लूरल सेंस में कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना वो क्या होना चाहिए, लेकिन अब अगर आप, मैं कहूँ कि आपने कोई डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब आपके पास ये डेटा आ गया, लेट सपोज आपने अपने स्कूल के मार्क्स कलेक्ट कर लिए, ठीक है, 2019 के और उसके साथ साथ 2020 के भी, ये मार्क्स आपके सामने आ गए, तो अब इस डेटा के ऊपर जो भी हम काम करेंगे वो सिंगुलर सेंस कहलाता है स्टैटिस्टिक्स का। सबसे पहले आपने कलेक्शन करते हो, सिंगुलर सेंस में आपने अपना डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, अब आपके सामने डेटा आ गया। सेकेंड में आप उसे ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज क्या करोगे गाइस, अकॉर्डिंग टू योर मतलब पर्पस आप उसे ऑर्गेनाइज करते हो कि टेबल फॉर्म में लगाना है। अगर 2019 से 20 का मार्क्स का डेटा है तो 10th क्लास का पहले आना चाहिए, फिर 11th का, फिर 12th का, ठीक है, तो आप उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, टेबल फॉर्म में बना सकते हो। थर्ड, प्रेजेंटेशन, अब आपको अपने डेटा को या तो ग्राफ के थ्रू, ग्राफ कैसा होता है, कैसा होता है ग्राफ, लाइक ऐसे ऐसे करके, भाई एजुकेशन तो बहुत बढ़ गई हमारे स्कूल की, आप प्रेजेंट करते हो ग्राफ, पाई चार्ट, बार डायग्राम, देयर आर मेनी वेज, राइट। अब हमने अपने डेटा को प्रेजेंट किया, क्यों करते हैं डेटा प्रेजेंट, अच्छे तरीके से ताकि वो समझ आ सके आसानी से। फिर उसके बाद हम उसे एनालाइज करते हैं गाइस, एनालाइज में हम उसका मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे, रेशियोज निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे कि क्या रिलेशन रहा, 2019 में रिजल्ट कितना आया, 2020 में कितना आया, एवरेज मार्क्स कितने थे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि फाइनल आउटपुट निकालते हैं, उसके बेसिस पर पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे हम अपने डेटा को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो सिंगुलर सेंस होता है, ये कहता है कि जब आपके पास डेटा आता है तो आप 5 स्टेप करते हो उसके साथ। सबसे पहले आप अपने डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हो, फिर प्रेजेंट करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो। तो 5 चीज़ें जब आपके सामने डेटा आता है तो आप उसके साथ करते हो, ये सिंगुलर सेंस कहता है। और प्लूरल सेंस ये कहता है कि जब आप डेटा इकट्ठा करते हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, और यस अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।